zombie apocalypse. Assalamu alaikum gamers, welcome to the video and those people who are new on our channel, most welcome. तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सप्लाई क्रेट्स पड़े थे, साथ ही साथ स्क्रैप भी पड़े थे, तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सप्लाई क्रेट ओपनिंग, ये वाला जो क्रेट है। मेक श्योर वीडियो एंड तक देखना, कुछ ट्रिक्स वगैरह लगाएंगे, VPN शीपीएन लगाएंगे और फिर क्रेट ओपनिंग करेंगे, देखते हैं क्या क्या निकलता है। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हो, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू माई चैनल और क्लिक कर देना बेल आइकन पे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वीडियो को भी लाइक कर देना, एफर्ट सकते हैं। यहाँ पे देखो VPN कनेक्टेड है, मैं आगे जाके बताती हूँ कौन कौन सा मैंने सर्वर यूज़ किया है। और अब पहले तो हम अपने कंबाइन कर लेते हैं स्क्रैप्स, और साथ ही साथ मैं आपको क्रेट्स भी दिखा दूँगी कितने हैं। 100 प्लस हैं, आई थिंक 150 प्लस हैं आई गेस। तो चलो अब स्क्रैप्स कंबाइन करते हैं, 15 बनेंगे 152 स्क्रैप्स के। और मुझे बताओ आपने इसकी क्रेट ओपनिंग की क्या नहीं की, आपका क्या माइंड है। पूरे 60 डेज़ ये क्रेट रुकने वाला है, सो अगर आप अभी तक कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। यहाँ पे मुझे स्क्रैप्स के 15 क्रेट्स मिल गए हैं, और जो क्रेट्स थे वो ऑलरेडी मेरे पास पड़े हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेट को ज़रा विज़िट कर लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं। पहले तो यहाँ पर देखो मेन जो आउटफिट है वो है, और साथ ही साथ इसका मुझे आउटफिट काफ़ी पसंद है। हेड गियर कुछ खासा नहीं, बट आउटफिट काफ़ी पसंद है, और साथ साथ इमोट इसका काफ़ी सूटेबल है इसके साथ। और ग्रेनेड की स्किन है, ओके है। और जो इसके साथ वाला मिथिक था, वो मिथिक मैं तो नहीं कह सकती, लेकिन बस उन्होंने मिथिक में डाल दिया तो डाल दिया। और ये बैकपैक मुझे काफ़ी पसंद आया है, बहुत अच्छा है। तीनों लेवल्स में जो है डिफरेंट इसका लुक है। और ये इसका हेड गियर, साथ में कार 98 हेड गियर के साथ इमोट चेक करते हैं। और ये मशेटी की स्किन, और साथ ही साथ पैन स्किन, और ये एक और हेड गियर पायरेट्स वाला, कुछ आउटफिट, और इसकी पैंट नहीं है, मतलब बॉटम नहीं है इस टॉप के साथ का, देना चाहिए था। टॉप दे दिया है तो बॉटम भी लाजमी देना चाहिए था। उसके अलावा जो हेलमेट की स्किन है वो भी बहुत मुझे पसंद आई है, मतलब कैसल हेलमेट है, लेवल 2 में बहुत ओपी है। 3 में भी अगर उसके 3D लुक होगा था ना, लाइक उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो थोड़ी सी अपर साइड होती हैं, बोल्ड होती हैं, तो ज़्यादा अच्छा लुक देता। तो यहाँ पे ट्रिक्स लगाते हैं, टैप टैप किया है मैंने, अपनी सेरा को बना दिया है नूब, फुल नूब बना दिया है मैंने उसे। तो टेंट का ड्रॉ करते हैं बिस्मिल्लाह करके, और देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है, और लेट्स सी। कुछ ढंग का दे देना पबजी वालों। चलो जी यार, ये परमानेंट ही दे देते। हेड आ गया है पायरेट्स वाला स्क्रैप, और लो जी बट ये टेम्प्ररी है, कोई नहीं, खैर है। 3 डेज़ के लिए हमें पहले ड्रॉप ही आउटफिट मिल गया है, ब्लैक रेस कार नाइट आउटफिट, काफ़ी लंबा नाम है इसका, सो हमें क्या नाम देना चाहिए इसे, नाइट सेट, ओके नाइट सेट इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने सर्वर यूज़ किया है वो कोरिया यूज़ किया है, और देखो पहले ही उसमें मुझे वो मिल गया है नाइट सेट, जो कि टेम्प्ररी मिला है, इट्स ओके। चलो कुछ का तो ये भी नहीं निकलता, यही सोच लेते हैं, यू नो जब कुछ खास ना निकले ना तो ऐसे ही दिलासा देना पड़ता है। लेकिन खैर हमें वैसे तो दिल में चाह होती है कि हमारा मिथिक निकल जाए, बट बहुत कम होता है ऐसे। तो यहाँ पे अब हमने कोर ट्रिक अप्लाई की है कि भाई अपना कैरेक्टर डिफ़ॉल्ट कर लिया है, डिफ़ॉल्ट करके देखते हैं, अक्सर जो है ना कहते हैं कि भाई डिफ़ॉल्ट कर लो, नूब बना दो और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आगे जाके भी मैं सर्वर चेंज करूँगी, और लेट्स सी हमें क्या क्या मिलता है, लेट्स अगेन 10 ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 159 क्रेट्स स्टिल पड़े हैं, देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। 10 ड्रॉ लगा दिए हैं, होप सो कुछ अच्छा ही निकल जाए। और आप गेस करो कि वो कौन सा आइटम होगा, कौन सी स्किन होगी जो मोस्टली निकली होगी, ठीक है, गेस करो चलो। और मुझे भी बताओ अपने बारे में कि आपकी कौन सी स्किन निकली मोस्टली। वाओ स्किन मिल गई हेलमेट की, बट वही टेम्प्रेरी दे दी यार, परमानेंट दे देते, लेजेंडरी कोर 2 लेजेंडरी बट लिमिटेड, परमानेंट दे दो भाई, बहुत ज़्यादा क्रेट्स हैं, सारे के सारे खोलूँगी, तुम लोग सुन रहे हो ना पबजी वालों, सारे के सारे खोलूँ। तो यहाँ पे जो है अब बारी आती है, मैंने पहना दिया है मिथिक, इसको ज़रा अच्छा सा मैंने लुक दे दिया है, मिथिक पहना दिया है, लोग अक्सर मिथिक पहना के भी क्रेट ओपन करते हैं। तो चलो अब ओपन करते हैं, अभी मैंने 20 खोल लिए हैं 10 रोज करके, और अब मैं 1-1 करूँगी, यानी सिंगल 1 करूँगी, और देखते हैं हमारा क्या क्या निकलता है। और फिर उसके बाद मेरा इरादा है कि मैं 10 ड्रॉज करके ही सारे के सारे क्रेट्स खोलूं, क्योंकि यू नो सिंगल में काफ़ी टाइम लग जाता है। सो अब मैंने इसके साथ का हेड गियर बना दिया है, लेट्स सी कुछ निकलता है कि नहीं निकलता, अभी तक तो टेम्प्रेरी चीज़ें ही निकल रही हैं। तुम क्रेट्स के अलावा भी कोई परमानेंट चीज़ दे दो पबजी वालों, दिस इज़ नॉट फेयर, ओके। तो यहाँ पे देखो इन्होंने मिथिक नहीं डाला होता, ये जो क्रेट होता है ना परमानेंट का क्रेट, यानी कि आपकी जब
30 आपके क्रेट्स खोल लोगे ना यहाँ पे सिंगल सिंगल करके, तो आपको ये नीचे वाला क्रेट मिल जाएगा जो गोल्डन क्रेट है, और उसके अंदर आपको डेफिनेटली परमानेंट कोई ना कोई चीज़ मिलेगी जो इन्होंने दी है, लेकिन एक्सेप्ट ऑफ मिथिक आइटम। ठीक है, मिथिक जो है वो इस क्रेट में नहीं डालते, तो मेरा ख्याल है यार डाल देते कोई बुराई नहीं होती, इम्प्लीमेंट कर दो, अब कर दो, कोई मसला नहीं है, कोई बुराई नहीं है, बुरा नहीं मानेंगे कि पहले क्यों नहीं डाला, हम और भी अच्छा फील करेंगे कि यार अब डाल दिया खैर। तो यहाँ पे हमने अपने बंदे को बिल्कुल ही गरीब साबित कर दिया है, तो अब ये वाला देखते हैं कि कुछ काम करता है कि नहीं करता, लेट्स सी। यहाँ पे बस 30 वाला ड्रॉ करते हैं, फिर फटाफट आगे की स्पीड बढ़ाते हैं क्रेट ओपनिंग की, काफ़ी लॉन्ग हो रही है वीडियो, मैं चाहूँगी शॉर्ट से शॉर्ट हो जाए। वैसे इसकी रॉ फाइल जो है 30 मिनट्स के ऊपर रीच कर गई थी, लेकिन मैंने इसको देखते हैं कितना कंप्रेस किया है, आप खुद ही देख लो। तो बारी आ गई है हमारा पहला परमानेंट क्रेट खोलने की, कि इसमें से हमें कोई ना कोई परमानेंट आइटम डेफिनेटली निकलेगा, तो मैं चाहूँगी पहले मुझे बैकपैक या हेलमेट दे दो, मुझे बेस्ट जो इसमें से लगा है ना वो हेलमेट या बैकपैक लगा है। वैसे अच्छा है, मतलब वो वाला हेडगियर भी अच्छा है, बट यू नो लेजेंडरी चीज़ आती है तो फीलिंग ज़रा अच्छी अच्छी आती है ना। बाय द वे अभी काफ़ी क्रेट्स बाकी हैं ओपन करने के लिए, लेट्स सी। डीमोटिवेशन नहीं लेनी, ठीक है ना, कोशिश करते रहना है बस। तो 10 ड्रॉज लगाते हैं, ठीक है, 10-10 करके करते हैं, लेट्स सी हमें क्या मिलता है। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट द आइटम के मोस्टली मेरा कौन सा आइटम होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा निकला है, किस चीज़ की स्किन ज़्यादा निकली है, तो वो मैं आखिर में आपको दिखाऊंगी, बट आपने चीटिंग नहीं करनी है, पहले ही मुझे बता देना है गैस करके कौन सी चीज़ मिलनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हीरो क्रेट खोल देते हैं, सोल्जर क्रेट, लेट्स सी कि क्या निकलता है। इसमें भी यार लक की बैंड बजी हुई है, कुछ भी नहीं निकाल रहे हैं अभी तक, मुझे एक भी परमानेंट चीज़ नहीं दी है सिवाय बॉक्स के जो एक हेड गियर मिला है ना, कुछ भी नहीं दिया है। 30 खोल लिए हैं 30, लेकिन कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ टेम्प्रेरी चीज़ें दी हैं। मैं टेम्प्रेरी चीज़ें डिसमेंटल कर दूंगी और परमानेंट चीज़ें रखूंगी, अगर कोई ऐसी चीज़ हुई जो कि मुझे अच्छी लगती होगी और मेरी परमानेंट ना निकली तो वो मैं रखूंगी। ठीक है, तो जी पहला परमानेंट निकल गया है हेड गियर जो कि नाइट सेट का है, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, जो वीडियो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी हिट कर दो। साथ ही साथ मैं बता दूं यहाँ पे पर्क भी सेंड कर दिया है, मेरा जो है हेड गियर निकला है जो कि पिछले क्रेट में निकला था और डुप्लीकेट आइटम निकल गया, लेकिन खैर एक ही 10 ड्रॉ में मुझे दो चीज़ें परमानेंट मिल गई है, एक जो है लेजेंडरी हेड गियर नाइट सेट का और एक पायरेट्स वाला हेड गियर। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट में हमें क्या मिलता है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। जी इसके बाद हमारा 30 का क्रेट हो जाएगा, उसको भी खोलेंगे। सही है यार, ये घुमाते ऐसे हैं कि पता नहीं क्या दे रहे हैं, लश पशे से घुमाते हैं, फ्लिप करते हैं और निकलता कुछ नहीं है। इस क्रेट में सिर्फ कचरा कचरा और कचरा निकला है, तो हमारा क्रेट जो है वो शाइन कर रहा है, तो क्रेट में से यार दे दो हेलमेट या फिर बैकपैक, बहुत अच्छा लग रहा है ये, तो मुझे ये दे दो। आई नो इसका पॉजिटिव करना है, लेकिन खैर बोलना तो हमने ही ढीठ हम भी हैं, कुछ ढंग का दे दो। ओ भाई कूल हो गया, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, हेलमेट मिल गया है, बहुत अच्छा हो गया है, वेरी नाइस। तो मैं आपको बता दूं, ये मैंने सर्वर जो है पिछले 30 वाले में मैंने कोरिया किया था, फिर मैंने चाइना किया, बट उसके अंदर गेम लॉगिन ही नहीं हो रहा था, सो मैंने चेंज करके उसे हांगकॉन्ग कर दिया। ये हांगकॉन्ग वाले 30 क्रेट्स हैं जो मैंने अभी खोले, तो आप देख सकते हो इसके अंदर क्या क्या निकला है मेरा, आप भी ट्राई आउट कर सकते हो। गुड हो गया जी, हेलमेट निकल गया, वेरी नाइस। तो अब तक हमने 60 क्रेट्स खोल लिए हैं, 4 से 5 आई थिंक परमानेंट वाले जो क्रेट हैं वो हम खोलेंगे, लेट्स सी हमें और क्या क्या मिलता है। और होप सो मेरा हेलमेट तो निकल गया है, मेरा दूसरा जो विश है वो ये है कि यार बैकपैक दे दो, बैकपैक काफ़ी अच्छा है, तो लेट्स सी क्या निकलता है। चलो भाई ड्रॉ करते हैं, 10 का ड्रॉ लगाते हैं फिर से। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चैनल के ऊपर गिव अवे करने वाली हूं मैं, सो वीडियो एंड तक देखना, एंड में डिटेल्स बताऊंगी। सही है यार, घुमाते ऐसे हो और देते टेम्प्रेरी चीज़ें हो, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर पबजी। एंड भाई दे दो, यस घुमा कुछ नहीं, घुमा कुछ भी नहीं, नहीं मतलब इतने सारे क्रेट खोल रहे हैं, कुछ तो दो, इतने सारे 10-10 के लगा रहे हैं। अब टॉप पे ना कर देखते हैं, क्या पता कुछ निकल जाए, क्योंकि हेलमेट तो निकल गया, अब मेन चीज़ है बैकपैक या फिर कार 98 की स्किन, लेट्स सी क्या मिलता है। चलो जी पबजी दे दो, बैकपैक स्किन या कार 98 की स्किन, सो बताओ आपको कार 98 की स्किन कैसी लगी। नहीं, कुछ भी नहीं, वेरी बैड, पबजी। तो अब मैंने सोचा है क्यों ना मैं टैप टैप तो ऊपर बहुत कर चुकी हूँ, लेट्स सी ये
कचरे को टैप टैप करने से कुछ अच्छा निकलता है कि नहीं निकलता। 20 हो चुके हैं अभी, 10 का करूँगी जो 30 हो जाएंगे और परमानेंट वाला क्रेट खोलेंगे। सही, लेट्स सी ये कचरे को करने से क्या मिलता है। सिर्फ कचरा? नहीं नहीं नहीं, गलत डिसीजन था। इस कचरे को टैप टैप करने से डेफिनेटली ये कचरा देंगे। हम मिथिक को टैप टैप कर रहे हैं तो मिथिक भी दो ना। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। क्रेट खोलते हैं, कुछ अच्छा दे दो। कार 98 या बैकपैक? कार 98 या बैकपैक प्लीज़ 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 प्लीज़। कार 98 बैकपैक कुछ तो दे दो, अच्छा दे दो। और नीचे वाले को नहीं देखना हमने सामान को। पेन स्किन, मेरे पास बहुत सारी पेन स्किन है, मुझे पेन स्किन नहीं चाहिए थी। जब परमानेंटली दे ही रहे हो तो कुछ अच्छा दो, लेजेंडरी सामान दे दो। अब मैंने सोचा है हम अपनी सेरा को फिर से ले आते हैं बैक टू गेम, ठीक है। अब सेरा से क्रेड ओपनिंग करेंगे। स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 30 क्रेड्स थे वो सेरा से ओपन किए थे, कुछ भी नहीं निकला था। परमानेंट पायरेट्स वाला हेड गेयर निकला था। लेट्स सी अभी क्या निकलता है। 10 ड्रॉ कर दिए हैं स्टार्टिंग के और कुछ नहीं। ओ टेम्प्ररी, कुछ नहीं टेम्प्ररी, कुछ नहीं। क्या कह सकते हैं अब, यही ड्रेस परमानेंट दे दो। दो दफ़ा टेम्प्ररी दे चुके हो, तीसरी दफ़ा में परमानेंट दे दो। नींद आ रही है तो जी भाई दे दो दे दो दे दो, कुछ तो दे दो। कुछ भी नहीं दूंगा। मी टू पबजी दे दो दे दो दे दो, एंड पबजी टू मी। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। लॉल, मेरा और पबजी का बस यही सीन है। अनदर 10 ड्रॉ, लेट्स सी भाई। ये पेन और ग्रेनेड तो ऐसे दे रहे हैं यार। स्क्रैप दे दो और सिल्वर दे दो, ज़्यादा से ज़्यादा वाले जो सिल्वर है ना, आई थिंक 50 है। सिल्वर दे दो या फिर स्क्रैप्स दे दो, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो जी अगेन हमारा क्रेट आ गया है, लेट्स सी क्या मिलता है। बैकपैक या कार 98 दे दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड पैराशूट, गुड। ब्लैक रोज पैराशूट, ब्लैक रोज पता नहीं क्यों इन्होंने नाम रख दिया है। उसमें खोपड़ी लगी हुई है पायरेट्स वाली, उसमें तलवारें घुसी हुई हैं, तो कुछ ऐसा ही नाम होना चाहिए था। लेकिन उसमें रोज़ आ रहा था ना तो मुझे अच्छा लग गया, आधा नाम सही मेरा आ तो गया उस पैराशूट में नाम। एक आउटफिट भी आया था रोज़ समथिंग तो मेरा प्रीमियम में, बट वो निकला नहीं मेरा। लो जी ये क्रेट भी जाया गया, आई थिंक सो। अब तकरीबन क्रेट्स खुल चुके हैं और मुझे अभी तक कुछ ख़ास नहीं मिला। 30 लास्ट के 30 क्रेट्स ही हैं, लेट्स सी हमें क्या मिलता है। और ये 20 क्रेट्स हो गए हैं, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। अगर आपने स्टिल अभी तक कमेंट नहीं किया है कि क्या निकलता है मेरा सबसे ज़्यादा इसमें से टेम्प्रेरी सामान में से कौन सी स्किन निकली है, तो कमेंट करके बता दो। और ये लास्ट के जो 10 ड्रॉज हैं वो करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हो सकता है अगर मेरे पास ज़्यादा क्रेड्स हो जाएं तो मैं इसकी क्रेड ओपनिंग अगेन करूं और नेक्स्ट, या फिर अगर नहीं भी होता तो फिर मैं नेक्स्ट जो टास्क होगा जो मेरा वो मैं रखूंगी काफ़ी बड़ा, लाइक 500 या कुछ 200 प्लस 500 या 1000 क्रेड्स खोलेंगे हम। आई नो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। यार इन्होंने पेन दे दिया, मेरी बात भी बीच में रुक गई। पेन मेरे पास पहले भी था, मैं कह रही थी कि भाई टाइम लगेगा बट मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी कर लूँ। मैं कोई भी चांस नहीं जाने दूँगी कि जहाँ से मुझे क्रेट्स का सामान मिल जाए। एंड क्लासिक क्रेट की ओपनिंग भी मैं शेयर करूँगी और वो भी काफ़ी सारे मैंने खोले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देख लो, मैं कह रही थी ना कि मेरे पास कौन सी स्किन सबसे ज़्यादा निकली है वो ये देख लो। मेरे पास परमानेंट मुझे नहीं मिला ग्रेनेड, बट इन्होंने टेम्प्ररी बहुत भर भर के दे दिया है। और परमानेंट जो चीज़ें मुझे मिल चुकी हैं वो भी आप देख चुके हो। मुझे बैकपैक नहीं मिला तो मैं बैकपैक डिसमेंटल नहीं करूँगी। और मेरा निकला भी सिर्फ एक ही बार है, वो भी 3 डेज़ के लिए, और बाकी सारी की सारी मैं चीज़ें डिसमेंटल कर दूँगी। एंड लेट्स सी हमें कितने बीपी मिलते हैं। और इसके अलावा गिव अवे की मैं बात कर रही थी, गिव अवे मैं करूँगी 10 के पॉपुलैरिटी गिव अवे करूँगी, ठीक है। और मुझे बताओ 10 के एक ही साथ कर दूँ, लाइक मेरा इरादा था 5 के करूँ या और भी डिवाइड करूँ, या एक ही बंदे को 5 के करके दे दूँ, मतलब दो बंदों को, या फिर जस्ट एक करूँ कि बस एक ही बंदे को दे। अब क्योंकि मेरी पब्लिक का ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं किस तरीके से गिव अवे करूँ। मेरा बहुत दिल करता है कि कुछ ना कुछ गिव अवे करती रहूँ। पॉपुलैरिटी मैं दे सकती हूँ तो मैं पॉपुलैरिटी क्यों ना दूँ। यूसी गिव अवे का भी मैंने सोचा है बट पब्लिक का इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है चैनल के ऊपर, तो वो उसको मैंने डिले कर दिया है। तो जाहिर सी बात है जब पब्लिक ही नहीं होगी तो फिर गिव अवे किसके लिए रखना। तो फिलहाल मैंने सोचा है कि हम करते हैं पॉपुलैरिटी गिव अवे अगेन। मैंने थोड़ा अपने आप को मोटिवेट किया है कि होप सो पब्लिक आ जाएगी, इंटरेक्शन भी बढ़ता रहेगा और
बस यही सीन है। तो मेरे भी 800 सब्सक्राइबर्स हैं, मैं सब्सक्राइबर्स भी शो कर दूंगी, और इस वीडियो के ऊपर जैसे ही 800 है तो एटलीस्ट 400 तो लाइक्स होने ही चाहिए ना, हाफ कर देते हैं, 400 लाइक्स हो जाएंगे तो हम गिव अवे पिक करेंगे इसी वीडियो के कमेंट्स में से। सो मेक श्योर अपनी आईडी जो है अच्छे से पुट करना कमेंट में, क्योंकि पिछले गिव अवे में भी लोगों ने आईडीज़ गलत डाली थी। और अपने पबजी फ्रेंड्स के साथ मेरा चैनल ज़रूर शेयर करो, फ्री कंटेंट मिलता है भाई, इतनी हेल्प हो जाती है, तो शेयर करो ताकि जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं और हम विनर पिक करें। और उन्हें ये वाली वीडियो तो डेफिनेटली सजेस्ट करो ताकि इसके जो लाइक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं और को पॉपुलैरिटी भी मिल जाए, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सोशल नेटवर्क्स फॉलो कर लो, और टिल देन अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड टेक केयर।